और भाई मकेंचियों, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया होंगे सबके। कई लोगों को मकेंची सुनते ही मिर्ची भी लगती होगी, पता नहीं क्यों, लेकिन जो मकैनिकल से हैं उनको मकेंची सुनते ही प्राउड फील होना चाहिए। चाहे उनको कोई मकेंची बुलाए या रॉयल मकैनिकल बोल दे, तब ज़रूर ऐसे चौड़े हो जाएंगे। ऐसा है, चाहे आपको कोई रॉयल मकैनिकल बुला रहा है या मकेंची बोल रहा है या मकैनिकल इंजीनियर बोल रहा है, यू मस्ट बी प्राउड कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो। पहले अपने आप से प्राउड फील करना शुरू करो, उसके बाद देखना कैसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले चार लेक्चर हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कर लिए हैं। पहले चार लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर कौन सा था? इंट्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं गेट के चौथे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, नया टॉपिक शुरू करेंगे, इन्वेंट्री। ठीक है, सेकंड चैप्टर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमने सीख लिया है, मैंने एक शॉर्ट डाली थी उसमें मैंने बताया था कि इन्वेंट्री होती क्या है, इसको डिटेल में जानेंगे। आज के लेक्चर में तीन टॉपिक कवर करेंगे हम। पहला, इन्वेंट्री क्या होती है। दूसरा, क्या क्या टाइप है इन्वेंट्री की कॉस्ट के, कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। थर्ड है कि इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो ये तीन टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, लेक्चर के एंड में मैंने एक वीडियो डाली है, वो इंटरटेनमेंट पर्पस भी है, थोड़ा इन्फॉर्मेशनल भी है। ऐसा है कि वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाए। वो खेल खेल में बदलो दुनिया वाला हिसाब किताब है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। और को हो सके तो अगर आपके काम की नहीं है वीडियो, तो उन फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है। जो मैकेनिकल के आपके फ्रेंड होंगे, किसी का भाई होगा, किसी की बहन होगी, किसी का बेटा भी हो सकता है, तो अगर कोई देखे और किसको लगे इन्फॉर्मेशनल है वीडियो और काम की है, उनको तैयारी में हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर करें। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मलिक और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मैकेंची मलिक साहब चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं गेट के बारे में। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेंट्री होता क्या है? किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी जो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बेच ही रही है। फॉर एग्जांपल, कार भी सेल कर रही हो सकती है, या वो अपना टायर भी सेल करती हो सकती है, या ट्यूबलाइट भी सेल करती हो सकती है, या कोई भी कंपनी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हर कंपनी का रहता है। तो या तो वो प्रोडक्ट बन रहा है उस कंपनी के अंदर, या वो प्रोडक्ट ला के कहीं से और फिर बेच रहे हैं। तो दोनों ही सूरतों में इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री वो मटेरियल है, उतना मटेरियल है जो हमारे पास अवेलेबल है। कंसीडर करो, अगर हम कार की बात करें तो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारे पास टोटल कितनी कार्स को बनाने का सारा मटेरियल अवेलेबल है। वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की फॉर्म में भी हो सकता है, और फाइनल फिनिश प्रोडक्ट यानी कि कार के रूप में भी हो सकता है। तो ये कितना अवेलेबल है टोटल, उसे क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। आई होप समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट अगर बात करें तो इन्वेंट्री होती है रिसोर्स ऑन हैंड, कितना हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इन्वेंट्री को हर बार कैसे मैनेज किया जाता है? इस तरीके से मैनेज किया जाता है इन्वेंट्री को कि हमारा प्रोडक्शन सिस्टम रुके ना कभी, है ना, स्मूथली चलता रहे। ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल, कभी भी कस्टमर हमारे पास कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कार की ही इंडस्ट्री है, कोई कार लेने आए तो वो खाली हाथ ना जाए कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस टाइम पे कार की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास हर टाइम मतलब सेल भी होती रहे, प्रोडक्शन भी चलता रहे, इस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअसली ऐसा है, प्रोडक्शन भी चलती रहेगी, सेलिंग भी चलती रहेगी, और नई इन्वेंट्री मंगवाते भी रहेंगे। ठीक है जी, ये सब चीज़ें आती हैं इन्वेंट्री के अंदर। तो इन्वेंट्री के बारे में कुछ लिख लेते हैं थोड़ा सा। इन्वेंट्री होती क्या है? इट इज रिसोर्स ऑन हैंड।
अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच कैन बी यूज्ड लेटर फॉर सेल। इन्वेंट्री क्या है? वो रिसोर्स ऑन हैंड है जो हमारे पास उस पॉइंट पे अवेलेबल है जिसको हम बाद में सेल के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे को रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकता है हमारे पास। वर्क इन प्रोसेस मतलब उस टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल कार है तो कार बन रही है जब असेंबल हो रही है या उसके पार्ट्स बन रहे हैं उस टाइम में, उस फॉर्म में भी हो सकता है। सेमी फिनिश्ड जब मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है उसकी फॉर्म में भी हो सकता है। लास्ट फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए साथ एक लाइन और लिख लो, इट हैज इकोनॉमिकल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू एंड इट इज मैनेज्ड इन सच ए वे दैट आवर सिस्टम रन्स smoothly without any interruption। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इन्वेंट्री आपको समझ में आ गया होगा। इन्वेंट्री क्या होती है? इट इज रिसोर्स ऑन हैंड अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच कैन बी यूज लेटर फॉर सेल। ये किस किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, सेमी फिनिश प्रोडक्ट या फिर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, और इट इज मैनेज्ड इन सच ए मैनर कि हमारा सिस्टम स्मूथली रन करता रहे विदाउट एनी इंटरप्शन। कोई भी इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए, लगातार हमारा सिस्टम रन करता रहे। ठीक है जी, आई होप नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। भाई मैं कई बार बता चुका हूँ, आपके नोट्स आपके लिए ना एक तरीके से, आपके नोट्स जो हैं वो आपके लिए रामबाण हैं। जैसे जितने अच्छे नोट्स बनाओगे उतना ही अच्छा आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, तो उनको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, और पढ़ने का मन करेगा तभी आप उनको पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में क्लियर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेंट्री का। पहला टॉपिक हमने इन्वेंट्री देख लिया, अब देखते हैं इन्वेंट्री में कॉस्ट कौन सी होती हैं। कॉस्ट्स इन इन्वेंट्री, कॉस्ट्स इन इन्वेंट्री, या फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिख लो। ठीक है, वैसे ठीक है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री है ये। कौन कौन सी कॉस्ट इन्वेंट्री में हमारी एक तरीके से इंक्लूड होती हैं? ठीक है, तो इन्वेंट्री में बेसिकली चार टाइप की कॉस्ट होती हैं। सबसे पहली होती है परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। जैसा कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि परचेज कॉस्ट क्या है, जो भी हम रॉ मटेरियल वहाँ से परचेज कर रहे हैं, एक फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, या हम बात कर लें कि हम कहीं से ले रहे हैं और बस सेल कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम साबुन ही बना रहे हैं, ठीक है ना,
तो एक साबुन जो है हमने कितने रुपए में खरीदा, तो वो हो जाएगा इसका कॉस्ट पर यूनिट, सी फॉर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी खरीदी, एन इज नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इस बेस पे आप भी बता सकते हैं कि परचेज कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, परचेज कॉस्ट हमारी हो जाएगी एन इंटू सी, ठीक है। परचेज कॉस्ट क्या है, एक प्रोडक्ट की या एक जो हमने जो हमारा प्रोडक्ट है उसको लाने के लिए जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे कितने हम बना रहे हैं एक तरीके से, या कितने हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, तो वो होती है परचेज कॉस्ट। दूसरी है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग या इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग, और एक सेटअप कॉस्ट भी होता है, सेटअप कॉस्ट। अब वर्ड तो दो लग रहे हैं, ऑर्डरिंग अलग लग रहा है, सेटअप अलग लग रहा है। तो जी ऐसा है, दो टाइप के सिस्टम होते हैं जनरली हमारे पास। पहला वो है कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं और से ऑर्डर ले रहे हैं और उसको एक तरीके से हमने अपने सिस्टम में रखा, उसके ऊपर टैग वैग लगाए और हमने बेच दिया, ठीक है। दूसरी होती है कि वहाँ पे हम सारा का सारा प्रोडक्ट जो है खुद बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है, उसमें क्रैंकशाफ्ट कहीं से आ रही होगी, शीशे कहीं से आ रहे होंगे, या दरवाजे कहीं से बन के आ रहे हैं, टायर्स कहीं से आ रहे हैं, तो ये अलग अलग जो पार्ट है, सीट है, सीट कवर या सीट वो कहीं से आ रही है, तो ये जो है हमारी एक तरीके से इनको हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट वहाँ वो हो जाएगी जो उनको मंगवाते हैं, ठीक है। और अगर बाय द वे हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हमारी एक इंडस्ट्री है जिसमें हमें क्रैंकशाफ्ट को एक तरीके से फिनिशिंग करनी है, या रॉ मटेरियल केवल कास्टिंग होके आई है, फिनिशिंग ऑयलिंग और या जो उसके अंदर से एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूवल है, ये सब प्रोसेस अगर करनी है हमें, तो वो हो जाएगी उसके साथ एक कंप्लीट हमें सेटअप बनाना पड़ेगा, पूरी मशीन्स लगानी पड़ेंगी। उस मशीन्स को लगाने के लिए जो कॉस्ट आएगी, या फिर उनको स्टार्ट करने में या उसकी रनिंग कॉस्ट जो होगी वो हमारी किसके अंदर आ जाएगी, सेटअप कॉस्ट के अंदर, ठीक है जी। आई होप क्लियर होगा। सेम चीज़ है दोनों, इसको अगर इसकी भी फॉर्मूला लिखना चाहें तो सेम क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगी इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसको मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। और ऑर्डरिंग में कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती हैं, टेंडरिंग की कॉस्ट, साथ में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, साथ में अगर हमने कोई मटेरियल परचेज किया है तो परचेज करने के लिए अगर हमें कुछ अमाउंट देनी पड़ी है वो ऑब्वियस सी बात है, परचेज करने के बाद हमें उसको ट्रैक भी तो करना है ना, जब तक हमारे सिस्टम में वो चीज़ आ नहीं जाती, तो टेलीफोन का बिल हो गया एक तरीके से, ये सारी चीज़ किस में आएंगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर, ठीक है। ये तो होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ऐसे ही सेटअप कॉस्ट अगर लिखना चाहें तो सेटअप कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, सेटअप कॉस्ट वो हो जाएगी नंबर ऑफ सेटअप इनटू सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप। अब ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ सेटअप पर ईयर भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। इनटू कॉस्ट पर सेटअप, इनटू कॉस्ट पर सेटअप, ठीक है। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर होंगी, बाकी अगर कुछ डाउट रहता है ना तो वो डाउट आपका जब न्यूमेरिकल करेंगे तब बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। सेटअप कॉस्ट क्या होती है, नंबर ऑफ सेटअप्स इनटू कॉस्ट पर सेटअप। ऐसा है, पहले हम इनको बस मोटा मोटा देख लेते हैं, फॉर्मूले लिख लेते हैं इनके, बाद में हम क्या करेंगे वन बाय वन डिटेल में लिख लेंगे इनको, ठीक है। अब बात करते हैं जो थर्ड कॉस्ट हमारी होती है, थर्ड कॉस्ट क्या होती है, वो होती है हमारी होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट,
होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट कौन सी होती है? आप एक नॉर्मल सी बात समझ सकते हो कि अगर हम कोई भी सामान ले रहे हैं तो उसको रखने के लिए हमें क्या करना है, उसको रखने के लिए हमें गोडाउन चाहिए या कोई ना कोई बिल्डिंग चाहिए जो रेंट पे लेंगे, जिसको उसकी रेंट की जो वैल्यू है, यू कैन से कॉस्ट जो है वो किस में आएगी, होल्डिंग कॉस्ट के अंदर। साथ के साथ अगर कोई ऐसा आइटम है जो ख़राब हो सकता है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ ना कुछ लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर खाने पीने का आइटम है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ भी अगर उसको स्टोरेज रखनी करनी पड़ेगी, फ्रिज में रखना पड़ेगा या कहीं भी रखना पड़ेगा, तो वो चीज़ हो गई। कपड़े हैं, कपड़े इंडस्ट्री में कपूर वगैरह रखनी है, तो ये सब चीज़ें हैं। होल्डिंग कॉस्ट क्या है, किसी मटेरियल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रखने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो उसके साथ मेंटेनेंस की भी कॉस्ट हो सकती है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग भी हो सकता है, और साथ साथ में और अदर कॉस्ट जो इसके साथ इन्वॉल्व हो सकती हैं वो सब चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फूड आइटम है उसको प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए भी तो बिजली वगैरह भी तो लगेगी, तो वो सब कॉस्ट इसके अंदर आ जाएगी होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट के अंदर। इसके अंदर भी इसका भी फॉर्मूला अगर लिखने लगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ आइटम्स या इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, हेल्ड या फिर इसको लिखो, बल्कि बेटर रहेगा एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स हेल्ड फॉर ए पीरियड इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम। ठीक है जी, होल्डिंग कॉस्ट हमारी क्या आ गई, एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स हेल्ड फॉर ए पीरियड। उसको महीने के हिसाब से भी हो सकता है, साल के हिसाब से भी होता है, हो सकता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट होती है स्टॉक आउट या शॉर्टेज कॉस्ट, स्टॉक आउट और शॉर्टेज कॉस्ट। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, सर जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसकी हमारे को क्या कॉस्ट पड़ रही है। एक तरीके से बात करो, अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है कोई सामान लेने के लिए और आपके पास उस टाइम पे वो सामान नहीं है, फॉर एग्जांपल उसको 100 यूनिट का ऑर्डर करना था, तो 100 यूनिट आपकी लॉस हो गया ना, वो पोटेंशियल प्रॉफिट जो आपको हो सकता था, ठीक है, वो नहीं हुआ। तो वो जो होता है वो पोटेंशियल प्रॉफिट या पोटेंशियल लॉस जो हमारे स्टॉक आउट की वजह से हमें हो गया, उसे बोलते हैं स्टॉक आउट या शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज या फिर इसको स्टॉक आउट कॉस्ट भी बोलते हैं, और स्टॉक आउट ये क्या होती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स शॉर्ट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ये हमारा आ गया स्टॉक आउट कॉस्ट। आई होप चारों कॉस्ट आपको क्लियर होंगी, फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। वन बाय वन इनके बारे में लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको जब तक थ्योरी नहीं होती ना तो हमें सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आता कि भाई हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो जब तक इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख नहीं लेते तो ऐसा पेट सा नहीं भरता कि हाँ यार मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो हमें लगता है कहीं और से पढ़ लेना चाहिए इसको। तो ऐसा करते हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, ये जो शॉर्टेज कॉस्ट है, इन सब के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिख लेते हैं। ठीक है जी, पहले बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी है, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट सिंपल सी बात है, परचेज कॉस्ट तो पता ही हमें कि कितनी एक यूनिट का प्राइस है इनटू नंबर ऑफ यूनिट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड
associated with purchasing inventory भी लिख सकते हो इसको डायरेक्ट, purchasing inventory और items, ठीक है, जो भी हमारे सिस्टम में आइटम हैं उनको परचेज करने के लिए जो कॉस्ट आएगी, इट इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजिंग इन्वेंट्री और आइटम्स, ठीक है। फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, इसमें और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ये ऑर्डर करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो, जो अगर कंपनी बाहर से ले रही है प्रोडक्ट और उसको फिर वापस उसको या फिर असेंबल करके भी भेज सकते हैं, तो ऑर्डर करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, इट इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग ऑफ इन्वेंट्री, इट मे इंक्लूड टेंडरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परचेजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ ऑर्डर कॉस्ट। भाई कॉस्ट की वही ऑर्डर देने के लिए भी हमें फ़ोन करना पड़ेगा, उसको बार बार ट्रैक करने के लिए भी हमें फ़ोन करना पड़ेगा, तो फ़ोन का बिल जो उससे एसोसिएट होगा वो भी तो हमारा कहीं ना कहीं तो आएगा ना, एक्सेट्रा, ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसी हेडिंग के नीचे हम एक और लिखेंगे सेटअप कॉस्ट, अलग से हेडिंग नहीं बनाएंगे, इसी हेडिंग के अंदर डालना सेटअप कॉस्ट, ठीक है। पेन अलग यूज कर सकते हो या जैसे भी आपको ठीक लगे उसको लिख दो सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट। ये है कि भाई व्हेन द प्रोडक्ट इज मेड विद इन द सिस्टम, When the product is made या manufactured, पूरा लिख लो इसको, made और manufactured within the system, then the cost associated with setting up a shutdown, closed या shutdown plant is the cost associated with setting up a shutdown plant is known as setup cost. For example, कोई manufacturing plant है वो बंद पड़ा हुआ है, उसको start करने के लिए worker भी लगेंगे, maintenance की cost भी होएगी, मशीनों को भी maintain करना पड़ेगा, हैं oiling करने के लिए, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, setup cost के अंदर। तो इसमें एक लाइन और लिख लेते हैं कि हमारा इट इंक्लूड्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस
चार्ट प्रिपरेशन कोर्स, वर्कर मटेरियल कॉस्ट एक्सेट्रा, ये सब जो आएगा सेटअप कॉस्ट के अंदर आएगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉस्ट की बात करते हैं, हमारी थर्ड कॉस्ट कौन सी है? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या है? होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, ये क्या है भाई? हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि भाई जब भी हमारा प्रोडक्शन रन कर रहा है, हमें कुछ इन्वेंट्री तो इतनी ऐसी है कि हमें थ्रू आउट द ईयर उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो देयर इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विच इज हेल्ड विद अस थ्रू आउट द ईयर। ऐसा है, मतलब ये है कि वो उतना है हमारे पास स्टॉक, तब हम दोबारा वापस वो कर दे रहे हैं। तो एक तरीके से कुछ अमाउंट तो ऐसी है कि वो हमारी कंटिन्यूसली उसमें रहेगी, और परचेज़ किया वो आइटम भी रखना है, ये सब चीज़ें जो हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद होल्डिंग सच इन्वेंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज होल्डिंग कॉस्ट। और इसमें कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी? रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद रेंट ऑफ द बिल्डिंग, उनकी मेंटेनेंस भी तो रखनी पड़ेगी जितना टाइम रखेंगे उनको, मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट अगर पड़ा वो डैमेज हो गया है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी इसी के अंदर ही आएगी, डैमेज और डेप्रिसिएशन कॉस्ट। इसके अलावा क्या हो सकता है? इंश्योरेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये सब जो आएंगी होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आएगी। होल्डिंग कॉस्ट क्या है कि जो कुछ अमाउंट हम एक तरीके से इन्वेंट्री हमें होल्ड करके रखनी पड़ती है, और कुछ नहीं, एक तरीके से थ्रू आउट द ईयर सर्टेन अमाउंट तो हमारे पास हमेशा रहेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको होल्ड करने के लिए जो कॉस्ट हमारी लगेगी उसे क्या बोलेंगे? होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। इट इन्वॉल्व कॉस्ट एसोसिएटेड विद रेंट ऑफ द बिल्डिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट, डैमेज और डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक है जी, फॉर्मूला मैंने इसका पहले लिखवा दिया आपको। तो ये हमारा हो गया होल्डिंग कॉस्ट। लास्ट आ गई हमारी कौन सी? स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट या शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, स्टॉक आउट और शॉर्टेज कॉस्ट इसको और लिख लेते हैं। स्टॉक आउट और शॉर्टेज आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कोई प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो गया। ठीक है, व्हेन ए प्रोडक्ट
इज शॉर्ट और स्टॉक आउट देन द पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस वी कैन हैव इज कंसिडर्ड एज स्टॉक आउट और शॉर्टेज कॉस्ट। आई होप चारों टाइप की आपको कॉस्ट क्लियर होगी। ठीक है, चारों का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पहले लिखवा चुका हूँ। ठीक है, चारों का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, दो टॉपिक हमारे हो गए हैं। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक जो हमारा है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर हम बात करें ना, तो इन्वेंट्री को हम ऐसे ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बात बताओ कि हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर तो कर दिया है, बट वो आया नहीं है सिस्टम में। ठीक है ना, तो वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे हमने ऑर्डर तो कर दिया है बट हमारे सिस्टम में नहीं आया है, तो ऐसे को तो हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। ऐसी चीज़ें जो हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री। चार टाइप की इन्वेंट्री है। एक बार वन बाय वन इनके टाइप लिख लेते हैं, उसके बाद इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे। पहला है ट्रांजिट और पाइपलाइन इन्वेंट्री। सेकंड है सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक इन्वेंट्री। सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक इन्वेंट्री। थर्ड है सीजनल इन्वेंट्री। और फोर्थ है एंटीसिपेशन इन्वेंट्री। पहले तो चारों टाइप लिख लो, वन बाय वन जानते हैं फिर इनके बारे में। तो जी, सबसे पहले अगर बात करें ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री, तो ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री क्या होती है? ये वो इन्वेंट्री है, सॉरी, ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री क्या है? ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो हमने ऑर्डर कर दी है बट हमारे सिस्टम में आई नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हमने मटेरियल ऑर्डर कर रखा है, या फिर हमने टायर ही ऑर्डर कर रखे हैं बट हमने 50 टायर का ऑर्डर दे रखा है या 100 टायर का ऑर्डर दे रखा है, बट वो चल तो पड़े हैं, यहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो वो हमारे किसी काम के तो हैं नहीं। तो ऐसी इन्वेंट्री को हम यूज़ तो नहीं कर सकते, तो ऐसी इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं? ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री। सेकेंड, अगर बात करें सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक, ये क्या है कि सारा साल हम ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारा पीछे सेफ्टी स्टॉक के रूप में रखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री है, इसको हम नॉर्मल कंडीशन में यूज़ नहीं करते। ये इस कंडीशन को, जो स्टॉक आउट वाला कंडीशन मैंने बताई ना, स्टॉक आउट या शॉर्टेज कॉस्ट, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो हम सारा साल होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा स्टॉक आउट या शॉर्टेज हमें फेस ना करनी पड़े, तो वो हो गया सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक। ठीक है, थर्ड आ गई सीजनल इन्वेंट्री, है ना। सीजनल इन्वेंट्री क्या है? सीजनल इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जिसकी डिमांड सीजन के हिसाब से वेरी करती है। फॉर एग्जांपल कूलर हैं, कूलर तो गर्मी में बिकेंगे, सर्दी में तो बिकेंगे नहीं। तो अगर बात करें
कूलर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी वो सीजनल इन्वेंट्री है वो, क्योंकि वो कूलर सर्दी में ही बिकेंगे, सॉरी गर्मी में ही बिकेंगे, सर्दी में नहीं बिकेंगे। सर्दी में उनकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और गर्मी में उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे विंटर क्लोथ्स हैं या फिर ऊनी कपड़े होते हैं, उनकी डिमांड विंटर में बढ़ जाएगी, गर्मियों में कम हो जाएगी। छाता है, उसकी डिमांड बारिश के सीज़न में, रेनी सीजन में होगी। तो ऐसी चीज़ें जो जिनकी डिमांड सीज़न के ऊपर डिपेंड करेगी उसे बोलते हैं सीजनल इन्वेंट्री। ठीक, आइसक्रीम है, आइसक्रीम तो गर्मियों में ही खाएंगे ना, सर्दियों में तो खाएंगे नहीं, तो वो चीज़ें हैं सीजनल इन्वेंट्री। अब लास्ट बात करें वो है एंटीसिपेटरी इन्वेंट्री। एंटीसिपेटरी इन्वेंट्री क्या है? एंटीसिपेटरी इन्वेंट्री नाम से समझ में आ रहा है, जिसकी डिमांड हम एंटीसिपेट करते हैं, यानी कि जिसकी डिमांड हम प्रिडिक्ट करते हैं किसी चीज़ को देखकर। फॉर एग्जांपल कोरोना आया था, कोरोना आया था ना, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सामान, तीन तीन महीने का सामान अपने घरों में भर लिया था, है ना। तो ऐसे टाइम पे सबको पता था, क्या पता वहाँ पे स्टॉक आउट हो जाए मार्केट में। तो इसके चक्कर में बहुत सारे दुकानदारों को फ़ायदा भी बहुत हुआ था। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करवा लिया, ताकि लोग एकदम जब तक दुकानें खुली रही तब तक उन्होंने बेचते रहे वो, और तो उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन कोई फ्यूचर यू कैन से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी को देख के, स्ट्राइक को देख के, या शटडाउन को देख के, या फिर कोई ऐसी फ्यूचर कोई ऐसी प्रिडिक्शन हो गई, हमारे आस पड़ोस में कोई दुकान खुल गई है, हैं हेयर सलून खुला है मान लो, और हेयर सलून के लिए अब हम बेच रहे हैं क्या ऐसे जैसे जेल हो गया, या फिर हम बात करें फेस क्रीम हो गई, या फेस एक तरीके से फेस वॉश वगैरह हो गया। तो हमें पता ही है कि भाई अगर सलून साइड में खुला है तो वो कहीं ना कहीं से तो लेगा, हमारी डिमांड उसके बेस पे बढ़ सकती है। तो वो हो गई क्या एंटीसिपेशन इन्वेंट्री। तो आई होप चारों की चारों इन्वेंट्री आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, वन बाय वन इनके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। वीडियो के एंड में ज़रूर देखना, जो वीडियो मैंने अटैच की है आपको पसंद आएगी आई होप। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, कौन सी इन्वेंट्री थी, पाइपलाइन, पाइपलाइन या ट्रांजिट इन्वेंट्री, ट्रांजिट इन्वेंट्री। ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री क्या है, वो इन्वेंट्री मैंने बता दिया है, इसको फटाफट लिख लेते हैं। व्हेन एन आइटम हैज नॉट अराइव्ड, इन आवर सिस्टम इट कैन नॉट बी यूज्ड। जब कोई आइटम हमारे सिस्टम में आया ही नहीं है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। When an item is no has not arrived in our system, it cannot be used. Such type of inventory is termed as transit or pipeline inventory. Pipeline inventory. ठीक है जी, ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री। इसके साथ एक टर्म लिख लेते हैं, वो है लीड टाइम। लीड टाइम, लीड टाइम क्या होता है, ये वो टाइम गैप है जब हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया और वो ऑर्डर हमारे सिस्टम में आया। टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग दैट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि भाई हम जो भी ऑर्डर करते हैं हमारा 5 दिन में आ जाता है,
ठीक है, तो हम जब हमारी इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली होगी हम 5 दिन पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि भाई ऐसा है 5 दिन में हमारा सामान ख़त्म हो जाएगा, फटाफट इतना आइटम भेज दो। तो वो टाइम गैप यानी कि 5 दिन जो है इस केस में, तो 5 दिन हमारा हो जाएगा लीड टाइम, टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग दैट ऑर्डर। जब शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ ना तो इसको इस तरीके से मत लिखना, टर्म्स में मत लिखना, इसको ऐसा करके लिख लेना, डायग्रामेटिकली लिख लेना, थोड़ा आपको ईजी रहेगा कि यहाँ पे हमारा क्या है। इसको लिख देते हैं टाइम गैप, ये है प्लेसिंग एन ऑर्डर रिसीविंग दैट ऑर्डर। इस टाइप से लिखोगे ना तो थोड़ा नोट्स आपके अच्छे बनेंगे और उससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। प्लेसिंग एन ऑर्डर और रिसीविंग एन ऑर्डर, इसके बीच के टाइम गैप को क्या बोलेंगे? दैट टाइम गैप विल बी कॉल्ड एज लीड टाइम। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से नोट्स बनाना, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। जो नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक क्या होता है? सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज हेल्ड थ्रू आउट द ईयर एंड नॉट यूज्ड इन नॉर्मल कंडीशन दैट इज, कब यूज करते हैं इसको? इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ शॉर्टेज और स्टॉक आउट। सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज हेल्ड थ्रू आउट द ईयर एंड नॉट यूज इन नॉर्मल कंडीशन, दैट इज इट इज यूज ओनली टू प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ स्टॉकेज या स्टॉक आउट या शॉर्टेज या स्टॉक आउट के केस में ही इसको यूज करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक। इट इज टर्म्ड एज सेफ्टी स्टॉक, लिख सकते हो आप, इट इज टर्म्ड एज सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक भी बोलते हैं, सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। ठीक है जी, बाकी मैंने जो लास्ट में वीडियो डाली है उसको अगर देखोगे तो उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा ये। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। थर्ड जो हमारा टाइप है वो कौन सी इन्वेंट्री है? सीजनल इन्वेंट्री। ये कौन सी होती है? वो इन्वेंट्री जिसकी डिमांड सीजन के हिसाब से वेरी करती है। दैट इन्वेंट्री हूज डिमांड वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन इज टर्म्ड एज सीजनल इन्वेंट्री।
वो इन्वेंट्री जिसकी डिमांड सीजन के हिसाब से वेरी कर जाती है, गर्मियों में कुछ और, सर्दियों में कुछ और, विंटर में कुछ और, ठीक है। एग्जांपल मैं पहले बता चुका हूँ, ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप लास्ट टाइप देख लेते हैं, एंटीसिपेटरी इन्वेंट्री। एंटीसिपेटरी या एंटीसिपेशन इन्वेंट्री भी लिख सकते हो इसको, एंटीसिपेटरी इन्वेंट्री। एंटीसिपेटरी इन्वेंट्री क्या है? वो इन्वेंट्री जिसकी डिमांड हम एक तरीके से एंटीसिपेट करते हैं किसी पॉलिसी चेंज को देख के या कोई शटडाउन को, लॉकडाउन को देख के। तो ये है दैट इन्वेंट्री हूज डिमांड इज प्री अज्यूम्ड बेस्ड ऑन वेरियस चेंजेस। दैट इन्वेंट्री हूज डिमांड इज प्री अज्यूम्ड बेस्ड ऑन वेरियस चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? दैट मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, हाई डिमांड फोरकास्ट, फॉर एग्जांपल जब कोरोना का टाइम आया तो सब ने मास्क बनाने शुरू कर दिए, तो मास्क के लिए मतलब बहुत ज़्यादा सेल बढ़ गई मास्क की। तो सबको पता ही था कि मास्क बढ़ने वाले हैं, आज तक बिक रहे हैं, तो एक तरीके से हाई डिमांड की फोरकास्ट हो गई उसकी वजह से, ठीक है। एप्रन बनने लग गए डॉक्टरों के लिए, ये सब चीज़ें हो गई। दैट में भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, हाई डिमांड फोरकास्ट, स्ट्राइक, शटडाउन एक्सेट्रा, इस टाइप की अगर कंडीशन आए तो, ठीक है जी। ये हमारी होगी एंटीसिपेटरी इन्वेंट्री। तो ज़्यादातर लोग तो अब तक ढेर हो चुके होंगे, जो बचे हुए हैं अब तक भी वीडियो देख रहे हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को जिसकी बात मैंने शुरुआत से की थी। हाँ जी भैया, बताइए क्या चाहिए? भैया अपने पास पेटीज हैं क्या? हाँ जी भैया, पेटीज हैं, बताइए कितनी करें? भैया 25 पेटीज कर दो। अच्छा 25 पेटीज कर दे जी, अरे वाह 25 पेटीज, क्या बात, कोई पार्टी वार्टी है क्या? हाँ जी भैया, हो तो जाएंगी ना? अरे हाँ भैया, बिल्कुल हो जाएंगी, रोज 30 पेटीज मंगवाता हूँ मैं। इसे बोलते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी रिसोर्स ऑन हैंड। अच्छा भैया, और कुछ भैया? कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह? भैया ऐसा करो, 4 ड्यू और 2 कोक भी दे दो। ठीक है भैया, 4 ड्यू 2 कोका कोला। भैया ड्यू तो 4 नहीं हो पाएंगी, ऐसा करो आप 3 ड्यू ले लो और 3 कोका कोला ले लो। नहीं भैया मेरे को तो ड्यू ही चाहिए, 4 ड्यू दे दो। अच्छा ड्यू ही चाहिए, अच्छा चलो ठीक है, करवाते हैं। अरे छोटू, पीछे वाले फ्रिज में 2 ड्यू रखी हैं, एक ले आया उनमें से निकाल के। अच्छा भैया अगर रखी थी तो पहले क्यों मना किया? अरे भैया नाराज़ मत हो, वो क्या है, वो जो पीछे रखी हैं वो सेफ्टी स्टॉक है जी। हाँ उसको नॉर्मल कंडीशन में यूज़ नहीं करते हम। इसे बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक नॉर्मल कंडीशन में यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा भैया कोई बात नहीं, आप ऐसा करो अपने पास रख लो, मैं कहीं और से ले लूँगा। अरे नहीं नहीं ऐसे तो 20 ड्यू ऑर्डर कर रखी हैं, शाम तक आ जाएंगी जी, 20 ड्यू 20 कोक ऑर्डर कर रखी हैं, शाम तक आ जाएंगी। इसे बोलते हैं ट्रांजिट या पाइपलाइन इन्वेंट्री। पाइपलाइन इन्वेंट्री वो होती है जो आपने ऑर्डर तो कर दी है लेकिन आपके पास पहुंची नहीं है। ठीक है भैया, ऐसा अपने पास आइसक्रीम भी है क्या? हाँ जी आइसक्रीम भी होगी, बताइए कौन सी चाहिए आइसक्रीम? गर्मियों में तो जी आइसक्रीम की डिमांड ही बहुत होती है। इसे बोलते हैं सीजनल इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री जो सीजन के साथ जिसकी डिमांड वेरी करती है, गर्मियों में कुछ और, सर्दियों में कुछ और, बारिश में कुछ और। ठीक है भैया ऐसा करो, 2 फ्रूट एंड नट के हाफ हाफ केजी वाले डब्बे कर दो।
हाँ ठीक है, दो फ्रूट एंड नट, दो फ्रूट एंड नट। और कुछ भैया? अच्छा भैया एक बात बताओ, 20-20 कोल्ड ड्रिंक लग जाती है आपकी? अरे हाँ जी, अभी एक नया पार्टी हॉल खुला इसी रोड पे, तो उम्मीद है हमारी भी सेल बढ़ेगी थोड़ी। इसे बोलते हैं एंटीसिपेशन इन्वेंट्री। एंटीसिपेशन इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जिसकी डिमांड अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है। अलग अलग चीज़ों को देखकर हम उसकी डिमांड एंटीसिपेट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, स्ट्राइक हो गई, या लॉकडाउन हो गया, या कुछ और हो गया। हाँ इसीलिए जी। हाँ ठीक है भैया। तो जी कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्वेंट्री क्या होती है और अलग अलग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।